डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव, जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपकी क्लास है क्लास 12 और सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और क्लास 12 में सब्जेक्ट बायोलॉजी में लेसन 2 है आपका पुष्पी या आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जन्म। पुष्पी या आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जन्म, तो इसमें हम आपको एक फ्लावर की, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत ही फ्लावर से होती है, फूल से होती है कि फूल क्या होता है, फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं इसमें। और ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो बनाए गए वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि चैप्टर है पुष्पी या आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जन्म, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, पुष्पीय पौधों या आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जन्म। तो सबसे पहले आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, दिमाग में उठ रहा होगा प्रश्न कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं। तो देखिए, आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज जो होता है वो फल के अंदर बंद रहता है। आवृत बीजी मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं और उसमें पुष्प भी उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। फ्लावर में कौन कौन से भाग होते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं। मुख्यतः मतलब जनरली मुख्यतः चार भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं। मुख्यतः क्यों, क्योंकि कुछ एक ऐसी फैमिली है जिनमें चार के बजाय पांच भाग होते हैं। उसमें एक भाग जो एपिकैलेक्स होता है वो बढ़ जाता है और किसी में ऐसा होता है कि कुछ में जो है, लेकिन जो नॉर्मली पौधे होते हैं सामान्यतः जिनकी बात करते हैं तो उनमें पुष्प के मुख्यतः चार ही भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, कैलेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वाहिदल कुंज, कैलेक्स वाहिदल कुंज। नंबर दो कैरोला दल कुंज। नंबर तीन एंड्रूसियम पुमंग, गाइनिसियम जाय। ठीक, तो अब सबसे पहला एक एक भाग पढ़ेंगे, क्रम से एक एक भाग पढ़ेंगे, जानेंगे कि पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, क्या है उसकी इकाई कौन सी है, सब पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला भाग है कैलेक्स, वाहिदल कुंज। तो सबसे पहले इसमें देख रहे होंगे ये वाला जो भाग, ये जो भाग है ये कहलाता है तुम्हारा वाहिदल कुंज। क्या कहलाता है, वाहिदल कुंज। ठीक, वाहिदल कुंज कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो हमने सेपल लिखा हुआ है, वहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैलेक्स होता है और यहाँ पर हमने सेपल लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है दल कुंज, कुंज माने होता है समूह, तो ये सेपल का पूरा समूह जो कैलेक्स है वो सेपल का पूरा समूह है, उसके पूरे सेपल के पूरे ग्रुप को, सेपल के पूरे ग्रुप को जो पूरा समूह होगा उसे हम कैलेक्स कहेंगे, वाहिदल कुंज कहेंगे। ठीक, तो अब क्या होता है कैलेक्स, कैलेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिभाषा में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें तो पेपर में इसकी परिभाषा का वर्णन पूर्ण दिया गया, फ्लावर का डायग्राम बनाइए और उसके विषय में वर्णन करिए, तो हम लिखेंगे क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिखने वाली, समझ तो जाएंगे फिर लिखेंगे क्या, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कैलेक्स लिखेंगे, कैलेक्स में क्या लिखेंगे कि बाहर से भीतर की ओर पुष्प में चलेंगे, सबसे पहले बाहर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, मतलब सबसे पहले पुष्प में बाहर से भीतर की ओर चलेंगे। तो बाहर से भीतर की ओर कैलेक्स है, कैरोला है, एंड्रूसियम है, गाइनिसियम। ठीक, तो जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स की परिभाषा क्या है, तो कैलेक्स में लिखेंगे यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, दिखाई दे रहा है इसमें, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ठीक, और प्रथम चक्र होता है और यह सामान्यतः हरे होते हैं,
हरे होते हैं, इनका कलर कैसा होता है? हरा होता है, सामान्यतः हरे होते हैं। अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो ये सामान्यतः हरे होते हैं। अब जैसा कि आपको जानते हैं कि हरा है तो मतलब क्या पाया जाता होगा? क्लोरोफिल। तो जब ये हरे होते हैं तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये कुछ मात्रा में अपने भोजन का संश्लेषण भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल है वो तो अपना प्रकाश संश्लेषण कर ही लेगा। तो कैलेक्स है, पुष्प का प्रथम चक्र है, प्रथम चक्र है, और ये कलर में कैसा होता है? हरा होता है, और हरे होने की वजह से ये कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। तो ये हो गया कैलेक्स। फिर दूसरा चक्र आता है कैरोला। ये देख रहे होंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा है कैरोला मतलब दलपुंज, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेटल। तो देखिए वही बात फिर इसमें लग होता है, जब इसका केवल एक पत्र होगा, जब केवल एक पत्र की बात करेंगे तब उसे कहेंगे पेटल, ठीक। जब एक पत्र होगा तब उसे कहेंगे पेटल, और इसके समूह को क्या कहेंगे, इसके पूरे पुंज को क्या कहेंगे? दल पुंज। दल पुंज, जैसा कि दल पुंज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे गुलाब है तो गुलाब में जो लाल लाल पंखुड़ियां होती हैं वो सब दल ही होते हैं, दल पुंज होता है पूरा। तो इसी प्रकार से ये दल पुंज होता है। अब परिभाषा क्या लिखेंगे दल पुंज की, कैसे इसका वर्णन करेंगे? तो जैसा कि क्यों कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, और ये सामान्यता रंगीन कलर, ये सामान्यता रंगीन या रंगहीन भी हो सकते हैं, ये सामान्यता रंगीन और रंगहीन भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया कैरोला की परिभाषा, और ये रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें कई पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो पिगमेंट्स वगैरह आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये दलपुंज रंगीन या रंग, आपने देखा होगा कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सफ़ेद तो वाइट होते हैं, उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए कहा गया कि ये रंगीन या रंगहीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। फिर तीसरा चक्र आता है एंड्रूसियम। एंड्रूसियम जो होता है, ये एंड्रूसियम पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जो एंड्रूसियम होता है ये जो पूरा, अब एंड्रूसियम का, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है स्टीमन, स्टीमन लिखा है, इसको पुंकेसर कहते हैं, तो यहाँ पर एक पुंकेसर है और यहाँ पर एंड्रूसियम लिखा है उमंग। तो उमंग क्या होता है, जो उमंग होता है वो स्टीमन पुंकेसर, जो पुंकेसर होते हैं उनका समूह होता है, जो पूरा समूह होता है उसको हम एंड्रूसियम कहते हैं, मतलब उमंग, और जो इसका केवल एक पार्ट होता है उसको हम पुंकेसर कहते हैं, स्टीमन कहते हैं। तो जो एक भाग होता है उसको हम स्टीमन कहते हैं, और जो इसका समूह होता है वो एंड्रूसियम उमंग कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहले ये जो उमंग है, अब उमंग में उमंग का एक इकाई स्टीमन पुंकेसर, लेकिन पुंकेसर का निर्माण भी दो चीजों से मिलकर हुआ है। पुंकेसर का निर्माण किससे हुआ है? एक तो पराकोष और दूसरा कुतंग। अब पराकोष कहां पर है, ये आप देख रहे होंगे दो चैम्बर जैसे बने हुए हैं, तो जो दो चैम्बर बने हुए हैं इसको कहा गया एंथर। एंथर इसी को हिंदी में कहते हैं पराग कोष, अर्थात पराग कोष का मतलब क्या होता है, पराग कोष, ऐसा कोष जिसमें परागकण पाए जाए, ऐसा कोष जिसमें परागकण पाए जाए, तो उसको कहा गया पराग कोष एंथर। अब इसके नीचे जो पतली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, बहुत धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कुतंतु। कुतंतु ये धागे जैसी संरचना होती है, इसको इसीलिए कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं कुतंतु। तो पराग कोष अर्थात एंथर और फिलामेंट अर्थात कुतंतु, तो ये दोनों मिलकर एक पुंकेसर का निर्माण करते हैं, और जब ढेर सारे पुंकेसर आपस में मिलते हैं तब उमंग एंड्रूसियम का निर्माण होता है, उनके समूह को उमंग कहा गया है, ठीक। तो
तो उसके समूह को कुमं कहा गया। अब ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, कैसे हम एंड्रोसियम की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसको लिख हमें कितना भी समझ में आ जाए, अगर हमें लिखना नहीं आ रहा है तो पेपर में हम लिखेंगे कैसे। तो परिभाषा क्या होगी एंड्रोसियम की, तो लिखेंगे परिभाषा शुरू करेंगे कि यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसके एक भाग को पुंकेसर कहते हैं। इसके एक भाग को पुंकेसर अर्थात स्टेमेन कहते हैं। और जो पुंकेसर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, ऊपर का भाग परागकोष अर्थात एंसर एंथर, और जो नीचे का भाग होता है वो कहलाता है फिलामेंट। जो नीचे का भाग होता है वो फिलामेंट और पतन करता है। ये दोनों भागों से मिलकर पुंकेसर का निर्माण होता है। अब जो पुंकेसर है और जो एंड्रोसियम है ये है क्या, ये है हमारा नर जननांग। क्या है, नर जननांग है ये पुष्प का, नर जननांग है ये पुष्प का, नर जननांग होता है। नर जननांग अर्थात जानते हो कि मेल सेक्स ऑर्गन है जो निषेचन में सहायता करता है। ठीक, अब अगला चौथा भाग है गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या होता है, ये गाइनेशियम आप देख रहे होंगे। सबसे पहले ये एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र है, इसके नीचे एक नली जैसी संरचना है जिसको बोलते हैं स्टाइल वर्तिका बोलते हैं। ठीक, फिर इसके नीचे एक फूली हुई संरचना है जिसको ओवरी या अंडाशय बोलते हैं। ठीक, ओवरी या अंडाशय बोलते हैं। और इसके अंदर एक संरचना देख रहे हो, ये है तुम्हारा बीजांड ओवरी। ठीक, ये है ओवरी। तो देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिलाकर हम अंडम कहते हैं। तो जो गाइनेशियम है, गाइनेशियम जो होता है वो गाइनेशियम की एक इकाई अंडम कहलाती है। ठीक, गाइनेशियम की एक इकाई अंडम कहलाती है। और वर्तिका क्या होती है, एक एक चीज देख लेते हैं। वर्तिका क्या होती है, जो पुष्प की जायक का मतलब गाइनेशियम का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। और इसका काम होता है पराग कणों को रिसीव करना। यहाँ पर आकर ये यहाँ से परागकण निकलकर, परागकोष से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर ही गिरते हैं। तो वर्तिकाग्र का काम होता है, स्टिग्मा का काम होता है पराग कणों को रिसीव करना। यहां पर पराग कण आकर गिर जाते हैं। ठीक, फिर यहां से पराग नलिका जो होती है वो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब वर्तिका क्या होती है, तो वर्तिकाग्र के नीचे एक जो नली के जैसी संरचना होती है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक, अब अंडाशय क्या है, तो जो एक फूली हुई संरचना, नीचे एक फूली हुई संरचना देख रहे हो, वर्तिका के नीचे एक फूली हुई जो संरचना होती है उसको बोलते हैं क्या, अंडाशय। ठीक, इस प्रकार से एक जायांग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए नीचे देख रहे हैं पुष्पासन और पुष्पवनम। ठीक, तो जो अंडाशय जिस पर रखा होता है, अंडाशय जिस पर रखा होता है जहां से ये सब संरचनाएं निकलती हैं इसको बोलते हैं पुष्पासन, पुष्पासन थैलमस। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये सब पूरी इस पर पूरी रखी होती है, अरेंजमेंट होता है इनका यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं थैलमस पुष्पासन। और पुष्पासन के नीचे एक वृंत जैसे संरचना होती है जिसको हम लोग डंठल बोलते हैं।
डंठल बोलते हैं, तो एक व्रत जैसे समझना होती है जिसको पेडिकल बोलते हैं, पुष्प व्रत अर्थात पुष्प का व्रत बोलते हैं। तो जो पेडिकल जैसे समझना होती है उसको पुष्प व्रत बोलते हैं, ठीक, पुष्प व्रत। अब पुष्प व्रत, पुष्प में दो, पुष्प व्रत के आधार पर पुष्प दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पुष्प व्रत है, जिसमें पुष्प व्रत पाया जाता है उसको कहते हैं सव्रतीय पुष्प। सव्रती मतलब जिसमें पुष्प क्रम है वो सव्रतीय पुष्प, और जिसमें ये व्रत या डंठल नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं आवृत्ति पुष्प। जिसमें व्रत ना हो तो आवृत्ति पुष्प होता है, ठीक। तो जो गाइनेशियम होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। क्या होता है? मादा जननांग होता है। तो जो गाइनेशियम होता है वो पुष्प का मादा जननांग होता है। तो देखिए अब पुष्प के जो ये चार भाग हैं तो ये कहलाते हैं, ये दोनों भाग जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सहायक चक्र। पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं, ठीक। ये दोनों भाग पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं और ये दोनों भाग पुष्प के जनन चक्र कहलाते हैं। ये पुष्प के जो दोनों भाग होते हैं ये पुष्प के जनन चक्र कहलाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे पुष्प की स्ट्रक्चर पूरा समझाया जा चुका है, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।